अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चनेयर इन रिसर्च कि क्वेश्चनेयर क्या होता है, इसकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे और बेनिफिट्स ऑफ क्वेश्चनेयर क्या होते हैं। रिसर्चर डेटा को कलेक्ट करने के लिए डिफरेंट रिसर्च टूल चूज करता है। इसमें एक रिसर्च टूल क्वेश्चनेयर भी है। इसके अलावा भी डिफरेंट टूल्स होते हैं, लाइक दैट हमारे पास इंटरव्यूज होते हैं, ऑब्जर्वेशन वगैरह होती हैं। तो हम क्वेश्चनेयर को पढ़ते हैं कि क्वेश्चनेयर किस तरह से यूज होते हैं और ये क्या होते हैं। क्वेश्चनेयर बेसिकली सेट ऑफ क्वेश्चन होते हैं जिसमें रिसर्चर क्या होता है, वो डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन प्रिपेयर कर लेता है और फिर वो रिस्पोंडेंट में डिस्ट्रीब्यूट करता है। रिस्पोंडेंट कौन से होते हैं जिनसे हमने डाटा को कलेक्ट करना होता है। लाइक दैट अगर हम लोगों ने पता करना है कि एक सिटी में कितने लोग एजुकेटेड और अनएजुकेटेड है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चनेयर डेवलप कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर हम लोगों ने देखना है कि इम्पैक्ट ऑफ टाइम मैनेजमेंट ऑन स्टूडेंट एकेडमिक परफॉर्मेंस क्या है। लाइक दैट मैंने एक रिसर्च की थी, तो उसमें मैंने चेक किया था कि बच्चों में क्या डिफरेंस होता है जब हम उन्हें टाइम टेबल के अकॉर्डिंग जो चीज़ें फिट करवाते हैं। तो लाइक दैट उसमें हम जो स्टूडेंट्स में और टीचर्स में वो वाला क्वेश्चनेयर वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो इससे क्या होता है कि हम लोग इजीली उनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं कि किस किस तरह से उन जो उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस किस तरह से इम्प्रूव होगी। तो इस तरह से यूज टू कलेक्ट डेटा फॉर क्वालिटेटिव, इस तरह से दो तरह का डाटा कलेक्ट हो जाता है, क्वालिटेटिव होता है क्वांटिटेटिव डाटा। दोनों तरह का हम डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंस क्या होती है रिसर्च की, क्वेश्चनेयर की। रिसर्च में डाटा कलेक्शन होता है कि एक इस एफिशिएंट मेथड होता है जिसमें हम लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा कलेक्ट कर। स्टैंडर्डाइजेशन, ये हमारे पास बहुत कंसिस्टेंट वे होता है आज क्वेश्चंस में। इस तरह से आप लोग इजीली क्वेश्चंस वगैरह पूछ सकते हैं अपने रिस्पोंडेंट से। वर्सटाइलिटी, इसमें ये होता है डिफरेंट फील्ड्स में अप्लाइड हो जाता है। लाइक सोशल साइंसेज में भी वो यूज़ होता है, मार्केट रिसर्च में भी होता है और हेल्थ स्टडीज वगैरह में भी यूज़ हो जाता है। सोशल स्टडीज में इस तरह से कि आप लाइक दैट स्टूडेंट्स के कम्युनिकेशन स्किल्स है, मर्दमशुमारी के रिलेटेड है, किसी भी रिलेटेड है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा मार्केट रिसर्च में कोई प्रोडक्ट वगैरह लॉन्च की है तो इसके रिगार्डिंग अगर आप लोगों ने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है तो उसके लिए भी यूज़ किया जा सकता है। हेल्थ स्टडीज में भी इसको यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट टाइम हमारे पास टाइप्स ऑफ क्वेश्चनेयर्स है कि क्वेश्चनेयर के कौन कौन सी टाइप्स हैं। स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनेयर होते हैं और अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनेयर्स होते हैं। स्ट्रक्चर्ड में बेसिकली क्या होता है कि ये फिक्स क्वेश्चन होते हैं, लाइक दैट फिक्स क्वेश्चन और प्री डिफाइंड आंसर्स होते हैं। लाइक एमसीक्यूज टाइप होता है, ऊपर से क्वेश्चन वगैरह लिखा होता है और नीचे ऑप्शन दिए होते हैं, तो उसमें से जो रिस्पोंडेंट होता है उसने उसमें से एक सिलेक्ट कर लेना होता है। अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन क्या होते हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं और इसमें क्या होता है, ऐसे टाइप क्वेश्चन होते हैं जो रिस्पोंडेंट होता है तो उसने क्या होता है अपनी राय देनी होती है, अपनी ओपिनियन वगैरह देनी होती है। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सेमी स्ट्रक्चर क्वेश्चनेयर्स। सेमी स्ट्रक्चर क्वेश्चनेयर्स बेसिकली क्या होते हैं कि इसमें कम्बिनेशन होता है स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर क्वेश्चंस का। इसमें मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस भी आ जाते हैं और उसके अलावा ओपन एंडेड क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, मीन्स के दोनों तरह से क्वेश्चन वगैरह आ जाते हैं। फोर्थ टाइप है ऑनलाइन क्वेश्चनेयर्स की। आप लोगों ने भी इंटरनेट पर देखा होगा, आपकी किसी फ्रेंड या किसी ने अगर क्वेश्चनेयर वगैरह डिवेल्प किया रिसर्च में तो वो आपको एक लिंक शेयर कर देते हैं। तो ये बहुत ही ईजी फॉर्म होती है क्वेश्चनेयर की, गूगल फॉर्म्स वगैरह के लिंक, तो उसमें हम लोग इजीली जो होता है ना अपनी इंफॉर्मेशन वगैरह वो कर सकते हैं। बाकी क्वेश्चनेयर में इस तरह से होता है कि वो कॉपी वगैरह करवाना पड़ता है और फिर रिस्पोंडेंट को जो है वो शेयर करना पड़ता है, लेकिन ये वाली जो चीज़ होती है ना वो बहुत ज़्यादा ईजी होती है। इसमें क्या होता है कि ईजीली वो लिंक जस्ट शेयर कर देते हैं, इस तरह से बहुत ज़्यादा लोगों से जो डाटा वगैरह कलेक्ट हो जाते हैं। बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग क्वेश्चनेयर, बेनिफिट्स बेसिकली क्या होते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव होता है, लोअर कॉस्ट होते हैं कम्पेयर टू इंटरव्यूज। लाइक दैट इसमें कॉस्ट बहुत ज़्यादा कम होती है। लाइक अगर आप लोग प्रिंट भी करवाते हैं तो आप डिस्ट्रीब्यूट करवा देते हैं, जिन जिन से आप लोगों ने डाटा वगैरह कलेक्ट करना है तो उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तो इस तरह से हमारी कॉस्ट भी बहुत कम आती है। लेकिन अगर इंटरव्यूज हम लोग वन टू वन कंडक्ट करेंगे फेस टू फेस, तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा आएगी, उसके अलावा टाइम भी बहुत ज़्यादा कंज्यूम होगा। क्यूब टू एडमिनिस्टर एंड एनालाइज, इस तरह से ये होता है क्वेश्चनेयर क्या होता है कि इसको एडमिनिस्टर करना और एनालाइज करना बहुत ईजी होता है, टाइम की बचत हो जाती है। नेक्स्ट इनकर्ज करता है ऑनेस्ट रिस्पॉन्सेज, क्योंकि हम लोगों ने जो लोगों को क्वेश्चनेयर डिस्ट्रीब्यूट कर दिए होते हैं तो उनके लिए उनमें ये होता है कॉन्फिडेंस कि वो उनके माइंड में जो चीज़ चल रही है वो रियल ऑनेस्ट अपनी ओपिनियन शेयर करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है लार्ज सैम्पल साइजेस, एबिलिटी टू रीच अ वाइड ऑडियंस। इससे क्या होता है कि हम लोग बहुत ज़्यादा ऑडियंस, अगर हम लोग एक कंट्री आउट ऑफ कंट्री भी अपना जो क्वेश्चनेयर है वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो इजीली हम लोग इन्फॉर्मेशन कंडक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कंसिडरेशन क्या होती है डिज़ाइन करने के लिए क्वेश्चनेयर्स की।
कि अगर हम लोगों ने क्वेश्चनेयर बनाया तो कौन कौन सी चीजों को हम लोगों ने इसमें चेक करना है। क्लैरिटी होनी चाहिए, क्वेश्चन शुड बी क्लियर एंड कंसाइज। आप लोगों ने जो भी क्वेश्चन बनाया वो क्लियर होने चाहिए और कंसाइज होने चाहिए। लाइक दैट आप लोगों ने एक सिंपल क्वेश्चन बनाना है और उसको शॉर्ट फॉर्म बनानी है, रेलिवेंट होना चाहिए। जो भी क्वेश्चन आप लोगों ने बनाना है अपने ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग बनाना है और उसके रेलिवेंट बनाना है। वॉइस अवॉइड लीडिंग और लोडिंग क्वेश्चन, ना ही आप लोगों ने बहुत ज्यादा बड़े क्वेश्चन बनाने हैं और इतने ज्यादा क्वेश्चन बना देने हैं कि जो रिसर्चर रिस्पॉन्डेंट है वो इसको फिल करते करते बोर हो जाए। तो आपके जो क्वेश्चनर में क्लैरिटी होनी चाहिए, रेलिवेंस होना चाहिए और वॉइस होना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन, और इसके अलावा ये भी होता है कि क्वेश्चनर की जो आप वर्डिंग होनी चाहिए वो सिंपल होनी चाहिए कि जो रिस्पॉन्डेंट है उसको इजिली अंडरस्टैंड होना चाहिए। इस तरह की इंग्लिश नहीं होनी चाहिए कि वो रिस्पॉन्डेंट जिसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं वो उसको समझ ही नहीं आया कि क्वेश्चन किस तरह का है। नेक्स्ट है हमारे पास कंक्लूजन आ जाता है। क्वेश्चनेयर आर अ वाइटल टूल इन रिसर्च प्रोवाइडिंग डाइवर्स टाइप्स एंड नंबर्स मेथड्स। तो हम क्वेश्चनेयर को रिसर्च में डाटा को कलेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। सो ये थी आज की वीडियो। अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।